नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि राहुल गांधी की नई टीम बनकर के तैयार हो गई है बजट सत्र के ठीक पहले। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा में नई टीम देख के मोदी साहब में हड़कंप, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि हाई कोर्ट के जज ने यहां पर रिटायरमेंट होते ही भाजपा ज्वाइन कर ली है, मचा है हड़कंप। जानेंगे दोस्तों विस्तार से क्या कुछ खबर आ रही है, कौन से वो जज साहब हैं दोस्तों। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ने पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, लोकसभा में राहुल गांधी की नई टीम बनके हो गई है तैयार। हो गया है ऐलान, अब संसद के अंदर आर पार करेगा इंडिया गठबंधन। गौरव गोगोई को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, कांग्रेस ने लोकसभा में गौरव गोगोई को उपनेता बनाया है। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में मोर्चा संभालेंगे गौरव गोगोई। कांग्रेस ने के सुरेश को चीफ व्हिप बनाया है यहां पर, और वहीं मणिकम टैगोर को डिप्टी व्हिप बनाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस बार सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी देकर के एक बड़ा दांव चला है, और पार्टी ने यह राहुल गांधी के दोस्त और असम से आने वाले सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, केरल से आने वाले यहां पर जिन के सुरेश को पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर से लेकर के स्पीकर चुनाव तक में आगे किया था, उन्हें ही लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप भी नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि व्हिप अब वही जारी करेंगे लोकसभा में जब भी जरूरत होगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नई टीम लोकसभा के लिए बनकर के तैयार हो चुकी है। सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपनी जो भी राय हो बता सकते हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, बीजेपी में शामिल हुए हैं हाई कोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी को जमानत देने से इनकार किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहित आर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और अब रोहित आर्य 3 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। यह कोई वैसे बड़ी खबर नहीं है, एक सामान्य सी ही जानकारी है, क्योंकि जजों का रिटायरमेंट के बाद में राजनीति में जाना, मंत्री बनना, राज्यपाल बनना, राज्यसभा जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले यहाँ पर जो CGI रहे थे रंजन गोगोई, वे भी भाजपा की मदद से यहां पर राज्यसभा गए, और हाल ही में चुनाव के दौरान लोकसभा के चुनाव से पहले देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी रिटायरमेंट लेते हुए भाजपा ही ज्वाइन की, और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रोहित आर्य ने भी बीजेपी ही ज्वाइन की है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद सभी जजों का रुख यहां पर बीजेपी की तरफ ही हो रहा है। इस पर कई लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पर। एक यूजर ने कहा कि जब तक जज साहब कुर्सी पर बैठे थे तब इनके द्वारा दिए गए निर्णय क्या निष्पक्ष रहे, सवाल बस यही है। एक अन्य यूजर ने कहा है कि अब तो यह सामान्य सी बात हो गई है, कोई भी जज रिटायरमेंट होते ही भाजपा ज्वाइन कर लेता है, लेकिन क्या उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। यह यहां पर दोस्तों खबर आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है जजों के रिटायरमेंट होते ही भाजपा ज्वाइन करने पर, बताइएगा दोस्तों अपनी भी महत्वपूर्ण राय। आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि JDU ने भी कर दी है कांग्रेस पार्टी की जमकर के तारीफ। हाल ही में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, नतीजे आए, इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती, 2 सीटें मात्र भाजपा को मिली, और अब JDU के नेता भी करने लगे हैं कांग्रेस की तारीफ। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर JDU के नेता KC त्यागी ने कहा,
कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है उपचुनाव में और उन्हें इससे यहां पर खुश होना ही चाहिए। देख सकते हैं कि हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी करने लगी है। माना जा रहा है कि जो चार राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन ही देश की दिशा और दशा तय करेगा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं। क्योंकि माना जा रहा है कि चार राज्यों में जैसे ही अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो जेडीयू और टीडीपी तुरंत ही पाला बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि भाजपा का अब यहां पर सोपड़ा साफ हो रहा है देश के अंदर, अब उसके साथ में रह करके कोई भी फायदा नहीं है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पार्टी के जो यहां पर उपचुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन की तारीफ की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, एलजी को अधिक शक्तियां देने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अभी भी दूर है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने का साफ मतलब है कि निकट भविष्य में इस केंद्र शासित का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावना नहीं दिखती है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है कि सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर के आम सहमति रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस और आईएएस एवं आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए और भी शक्तियाँ सौंपी हैं। ये यहाँ पर दोस्तों मामला सामने निकल के आया है। और वहीं आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें कि पूरे मामले पर ओवैसी बोले, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनने का डर है, इसलिए केंद्र ने उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दे दी हैं। ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की नींद उड़ी हुई है। वे साफ तौर पर जानते हैं कि अगर राज्य के अंदर चुनाव होगा तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए वे घबराए हुए हैं और इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है। अयोध्या धाम में बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है। डेकोरेटिव लाइट के नाम पर 76 करोड़ का हेरफेर, अब पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में डेकोरेटिव लाइट लगाने के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। अयोध्या के सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त से जांच की मांग की है। अयोध्या धाम के 12 वार्डों में डेकोरेटिव लाइट लगनी थी। आप लोगों को बताते चले, 76 करोड़ रुपए में 12 वार्डों के लिए निकला टेंडर था। इस घोटाले के खिलाफ में अयोध्या के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है और जबरदस्त तरीके से ये मोर्चा खोला गया है दोस्तों। एक और भ्रष्टाचार सामने निकल के आया है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।